सिंगर मूसेवाला ने अपने गानों में गन कल्चर को भले ही दिखाया, लेकिन वो किसी गैंग से जुड़े नहीं थे, ना ही उनका किसी भी गैंगस्टर से कोई लेना देना था। हाँ, इतना जरूर था कि उनकी जान को खतरा था, जिसे देखते हुए पंजाब पुलिस से उन्हें सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे। सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी एक दिन पहले ही कम की गई थी, लेकिन वारदात के वक्त दोनों सुरक्षा कर्मी मूसेवाला के साथ नहीं थे। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, और अभी घल्लूघारा की वजह से सारे हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं, जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे, 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे, और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। अब इस हत्याकांड ने 2 गैंगस्टर को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और आशंका जताई जाने लगी है कि अब पंजाब की सरजमी गैंगस्टर की गवाह बनने वाली है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस और बनबीहा गैंग आमने सामने आ गए हैं, जिससे पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस गैंग ने ली। इसलिए अब बनबीहा गैंग इसका बदला लेगा। ऐसा क्यों है, उसे समझिए। 7 अगस्त 2021 को विक्रम सिंह की हत्या हुई थी। विक्रम सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बनबीहा गैंग ने ही ली थी। मूसेवाला पर विक्रम के किलर को पना देने का शक था। बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया गया, और बनबीहा गैंग ने बदला लेने की धमकी दे डाली। खबर है कि इस धमकी को देखते हुए पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस गैंग के गुर्गों को अलग कर दिया गया है। जहां जहां इस गैंग के मेंबर हैं, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बनबीहा गैंग के मेंबर भी जेलों में बंद हैं, उन्हें भी अलग कर दिया गया है। दोनों गैंग आपस में ना भिड़े, इसको लेकर सभी जेलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।